लेकिन अभी आपने एक सफर और करना है, आपने वापस भी जाना है, आपने वापसी का सफर भी पूरा मन करना है, आपने रास्ते में किसी किस्म की कोई नारेबाजी नहीं करनी, बड़ी इसी हिम्मत और अमन के साथ जो आप आए ऐसे ही आपने जाना है। हजरत अक्दस हमें आइंदा की पॉलिसी देंगे, आज हमने साबित किया है, अकाबिरीन ने हमें जो कहा हमने आज अमल करके बताया। इन्होंने कहा परचम नहीं होने चाहिए, हमने परचम नहीं आने दिए, नारा नहीं होना चाहिए, हमने नारा नहीं लगने दिया, हमने साबित किया हम अकाबिर के बुजुर्गों के खादिम हैं, और ये आज के लिए नहीं है, आइंदा भी इंशाअल्लाह ये अज़म रहेगा और इसी तरह चलते रहेंगे। दूसरी बात, हजरत बुजुर्गों ने और अकाबिर के वो बयानात और वो पैगाम आपने सुन लिए, शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना तकी साहब का आपने पैगाम सुना, दीगर बुजुर्गों के पैगाम आप तक पहुंचे, कायदे वफा कुल मदारिस कारी अनीर चलंदरी साहब का पैगाम हम तक पहुंचा, अरबाब इख्तदार सियासतदानों मजहबी लोगों रियासत के लोगों हमारे नुक्ते नजर हमारा बयानिया गलत नहीं है, हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते, इंतजार नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, फिरका वारियत को बढ़ाना नहीं चाहते, हम मुल्क में अमन चाहते, इसलिए इतनी बड़ी गुस्ताखियों के बावजूद इस्लामाबाद में अबू बकर सिद्दीक की तकफीर की गई, इस तकफीरी गुरु ने लाहौर के अंदर खुलफाए राशिदीन की तौहीन की, नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों का इनकार किया, कराची की धरती में चौक पर लॉन में सूरज की रोशनी में हजरत मुआविया और अबू सुफियान को बड़े अल्फाज से याद किया गया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकअल्लाह।